प्रॉपर शिवलिंग जमी बनी हुई है। ये फ्रिज हमारा और फ्रिज के अंदर देखो शिवलिंग बनी पड़ी है पूरी, चमत्कार से कम नहीं हो सकता। और शिवलिंग बनी हुई है भाई। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी सो के उठे हैं, जस्ट समय हो रहा है 11 बज रहे हैं और फिलहाल पी रहे चाय, और अभी चाय पी रहे हैं और अभी खाना बनाना है मम्मी के लिए, बाबा के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कम था थोड़ा और बनाना है, तो मटर वाले पुलाव बनाऊंगा आज। तो आप देखना, फिर पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मटर वाले पुलाव कैसे बनते हैं, तो उसमें बनाया था मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो फिलहाल अभी खाना पहले चाय पीते हैं, उससे फिर खाना बनाएंगे। मिलते हैं। तेजिया खा रही है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, रस्सी खत्म होगा सिलेंडर खुलाएंगे क्योंकि गैस होने वाली खत्म। फिर अभी मटर जा चुका और वेट कर रहे हैं मम्मी का, जिस मम्मी आएंगे उससे खाना है, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं। फिलहाल मम्मी आ चुकी है और खाना लेके आ गई है। पापा यहाँ पे पीने बनी आज बैठे, मैं भी शायद गाइस खाना खा नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी चाय पी थी, इस वजह से मैं खाना खा नहीं जाता। तो जब भूख लगेगी तब खाऊंगा, अभी मम्मी का चाय पी, मेरे को थोड़ी बहुत भूख लगेगी। चलो मैं भी मम्मी का खाने बैठ जाता हूँ, भिंडी पराठे और मटर तो बनने खा लूँ। गैस में एक प्रॉब्लम आ रखी है कि रेगुलेटर को यहाँ से जला रहे हैं ना, तो बहुत तेज गैस जल रही है, दिक्कत हो रही है। मैं कोई दिक्कत ना हो जाए इसको, इस वजह से हम रेगुलेटर और गैस के समय उठा के दुकान पर ले आ रहे हैं, इसको दिखाने के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी इस यहाँ से इसको मोड़ भी रहा ना, और क्योंकि गैस लीक हो रही है, पता नहीं चेकआउट करते हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं, चेक कराते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से लीक गैस हो रही है, यहाँ कट से इसको ऐसे मोड़ाओ ना तो गैस लीक होती है, चेक करते हैं। लेके चलते हैं इसको दुकान पे, तभी लेके चल रहे हैं हम गैस को दुकान में, लेके चलते हैं फिर दिखाते हैं इसे क्या प्रॉब्लम है क्या है। सो गाइस, फाइनली हम दुकान पर पहुँच चुके हैं और हमारी गैस चेक करा रहे हैं। इसके अंदर पाइप के अंदर कमी थी, जो पाइप ना लीक हो रहा था और बाहर आ रहा था बार बार, बहुत समय का पाइप, बहुत पुराना पाइप है, अभी कहानी बहुत पुराना पाइप है, तो इस वजह से लीक कर रहा था। तो उसको हम सोच रहे कि चेंज करा दें, अभी चेक करके बता रहे क्या है क्या नहीं है, इसको अभी निकाल लें इसको गर्म करके, तो बताते क्या है क्या। सो गाइस, हमने पाइप ही चेंज करा दिया क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था, उससे हमारी जो गैस है वो धीरे धीरे लीक होती है और आगे जाके दिक्कत भी आ सकती थी, इस वजह से हमने पाइप चेंज करा दिया, अच्छी क्वालिटी का नया पाइप लगवा दिया। तो इसको लेके चलते लगवा के फ्यूचर। घर पर आया रेगुलेटर चेंज, इसको भी रेगुलेटर भी चेंज होना, बताओ। पाइप थोड़ा सा कट रहा था और पाइप थोड़ा सा कट भी रहा था, लाओ पापा से पैसे पैसे लेना, दोनों चेंज करा रहा हूँ मैं, तो फिलहाल चलते हैं और चेंज करा के ला रहे हैं। हाँ वो तो मैं ले आऊँगा, पुराने वाले तो मैं ले आऊँगा, ये ले लेते चाली, पता लग जाएगा गैस चल रही है चल रही दोनों। तो फिलहाल चल रहे हैं रेगुलेटर चेंज कराने के लिए, ले लिया पैसे ले लिया। सो गाइस, इसका हम रेगुलेटर भी ठीक करा रहे हैं क्योंकि इसके रेगुलेटर भी ख़राब हो रहा था, अब गैस चला के चेक कर रहे हैं कि जल रही है नहीं जल रही, तो गैस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिलहाल चेक कर रहे हैं कि हाँ तो गैस चल गई, फाइनली गैस ठीक हो चुकी है, ये रेगुलेटर भी खराब। सो गाइस, ने गैस भी यहाँ पे लिया है और खाने के लिए भुट्टा भी, गैस रेगुलेटर लगा के भी चेक कर रहे हैं, चल गई फिलहाल भुट्टा खाया, बहुत ज़्यादा मट हो रहा है, तो पुराना वाला ये आंधी आ रही भाई, सारे कपड़े सब उड़ रहे हैं गली के अंदर, खुला है ना थोड़ा, मिट्टी मिट्टी हो गई है, बहुत तगड़ी आंधी आ रही है, देखो और आ रही है, लोग पेट पिट रहे यार, देखते आंधी आ रही है, ओ भाई बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज। गर्मी के बाद बहुत तगड़ा मौसम हो गया, मतलब दोपहर में गर्मी थी बहुत तगड़ी, और देखो कैसी आंधी हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया मस्त मज़ा आ रहा है। देखो अब तो बारिश भी हो गई बहुत तगड़ी वाली, और मस्त मौसम हो रहा है, बोलो चलते 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 चलते, ओ भाई मस्त मौसम, पूरा अंधेरा हो गया यार और बारिश हो रही है लिटरली, ओ भाई फुल मतलब ठंडे ठंडे मौसम हो गया, हवा चल रही है, ओए होए होए मौज आ गई, चलो चल। सो गाइस, अभी जस्ट बहुत तगड़ी बात सुनी है, यहाँ लेटा होता और देखो तो मतलब अभी अंधेरे का समय भी नहीं हो, अंधेरा हो चुका है और इतनी तेज़ बारिश हो गई, एकदम से तेज़ बारिश आ गई, तुरंत बहुत तेज़ बारिश आ गई अचानक, और फिर धीरे स्लो हो गई, और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब कूलर भी चलाता है, ठंडा मौसम दोपहर में इतनी गर्मी हो गई, अब एकदम से बारिश हो गई, पहले हवा चली थी आंधी आई थी और एकदम बारिश हो गई, बहुत मस्त मौसम, दोपहर में गर्मी और बारिश हो गया, क्या जैसे मौसम नहीं है बारिश होने वाला, फिर भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तगड़ी वाली, ओ आई देखी गाइस लिटरली वाली बारिश हो रही है, बहुत मस्त हो गाइस, बहुत गंदी बारिश हो रही है भाई, अब तो भिज भी गया, बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडे बारिश, और नाना भी है मंदिर भी जाना है, अब बारिश हो गई है, कैसे कह रहे हो, टाइम भी हो गया 7 बज चुके हैं,
देखते हैं। बस पूजा भी कर चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। तो गाइस फाइनली पूजा वूजा कर चुके हैं और पूजा कर दिए, मंदिर से भी आ गए, प्रसाद चढ़ा दिया बालाजी महाराज को, क्योंकि आज मंगलवार था इस वजह से। और अब बना रहे हम दाल मखनी। हमारा मैंने बटर डाल चुका हूँ इसके अंदर, ये टमाटर है, गरम मसाला डाल दिया, ये मसाले सारे, तो फिलहाल अभी हो रहा है गरम। तो जाते हैं बनाते हैं और आपसे मिलते हैं, बाय बाय। मम्मी भी आ चुके हैं, मम्मी अपना फेशियल का सामान लेकर आई, फेशियल की किट ख़त्म हो गई थी तो मम्मी लेकर आई है, और साथ में लेकर आई हैं दही भल्ले पापा, मैं भी खाऊंगा अभी। यहाँ पे चाउमीन आ गई और दही भल्ले आ गए, और पानी आ गया पीने वाला। गोलगप्पे भले लाओ नहीं लाओ, कुछ उसकी ठेली से कुछ ला रहे हो तो पानी जरूर आता है हमारे। किसी का खाते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस मैं भी काम कर रहा था तो मैंने फ्रिज खोल के देखा, फ्रीजर में जैसे मैं गाइस यहाँ बर्फ़ चलती है ना, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बन जाती है ना, बर्फ़ से पानी टपक टपक जैसे शिवलिंग बन जाती है, ऐसे हमारी एक फ्रिज में बन चुकी है। हमको ये देखो प्रॉपर शिवलिंग जमी बनी पड़ी है, ये फ्रिज हमारा, और फ्रिज के अंदर देखो शिवलिंग बनी पड़ी है पूरी, पूरे शिवलिंग का आकार ले रखा है भाई। अतः भाई किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता, और शिवलिंग बनी हुई है भाई। था कि फ्रिज के अंदर ऐसे शिवलिंग बनी आ जाए, छोटी सी जैसे अमरनाथ में बन जाती है ना, वैसे ही फ्रिज के अंदर ही बन गई हमारे। तो कृपया महादेव की, हर हर महादेव, केदारनाथ जाएंगे जब भी होके आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नार लगाएंगे हर हर महादेव। तो फिलहाल अभी खाना बना रहे थे, जब देखा मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, घर में भी देखा सबने तो लोगों को अच्छा लगा, भाई घर में पहले आती शिवलिंग आज तक मैंने कभी नहीं देखी, ना आज तक कभी जमी, दूसरों घर में मैंने आज तक कभी कहीं पर सुनी भी नहीं। तो मैं मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ शिवलिंग जमी पड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा आनंद आ गया देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना सारा बन चुका है, और अब खाने मम्मी हमारे सामने बैठ गई हैं, और हमारी दाल मखनी भी आ चुकी, रोटी अचार वो खाते हैं फिलहाल, और फिर मिलते हैं आपसे। गर्म हो चुका, हम दूध कर चुके हैं और लेके चलते हैं ऊपर, खाना खा लिया, दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो गाइस फाइनली खाना पीना खा चुका है, दूध भी पी लिया। तो गाइस एक चीज़ मैं बताना, अगर आपके भी घर में कभी ऐसी फ्रीजर के अंदर या बर्फ़ जमती है, उसमें कभी ऐसी मतलब शिवलिंग जैसी आकृति कोई बर्फ़ जमी है जिसके घर में जमी है, कोई कमेंट में जरूर बताना, और हर हर महादेव जरूर लिख देना कमेंट के अंदर। पहले मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, और सबको राधे राधे।